चिलवाताल थाना क्षेत्र में 21 मार्च को हुई अजय यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसके संबंध में सीओ कैंपेयरगंज राहुल भाटी ने बताया कि अजय यादव पुत्र स्वर्गीय रामानंद यादव निवासी नकहा नंबर 1 गायत्रीपुरम थाना चिलवाताल, जिसकी उम्र 32 वर्ष थी, जिसका शव 28 मार्च को गुलेरिया थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था। सीओ कैंपेयरगंज राहुल भाटी ने बताया कि अजय यादव की गुमशुदगी की खबर घर वालों ने दिया था और बताया कि अजय यादव अपने घर से बाहर निकला था जो कि कहीं गुम हो गया, जिसके संबंध में मृतक की पत्नी रीना यादव द्वारा 23 मार्च को थाना चिलवाताल पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 28 मार्च को गुलेरिया थाना क्षेत्र के बनगाई जंगल में अजय यादव का शव बरामद हुआ था, जिसका पोस्टमार्टम 29 मार्च को कराया गया, जिसमें अजय यादव की मृत्यु गंभीर चोट लगने के कारण बताया गया, जिसके कारण थाना चिलवाताल पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसको लेकर प्रभारी निरीक्षक चिलवाताल जय नारायण शुक्ला द्वारा टीम गठित कर अभियुक्त सुनील शाहनी पुत्र अर्जुन शाहनी उम्र 25 वर्ष निवासी मसहवा लच्छीपुर थाना गोरखनाथ को भगवती चौराहा थाना गोरखनाथ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई तथा अभियुक्त के द्वारा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल गड़ासा व मृतक अजय की चप्पल बनगाई जंगल से बरामद कराई गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त सुनील शाहनी द्वारा बताया गया कि अजय यादव की पत्नी रीना यादव से अभियुक्त मोबाइल फोन पर पिछले कई महीनों से बातचीत करता था और बातचीत के दौरान काफी नजदीकियां हो गई थीं। अजय यादव अपनी पत्नी को अक्सर मारता पीटता था और अपनी जमीन संपत्ति भी बेच रहा था, जिस पर रीना यादव ने अभियुक्त सुनील शाहनी को हैदराबाद से बुलवाया और अपने घर में किराएदार के रूप में रख दिया तथा दोनों ने अजय यादव की हत्या की योजना बनाई, जिस पर अजय यादव को सुनील शाहनी बनगाई जंगल में मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया और शराब पिला कर उसे काफी नशे में करके वहीं जंगल में ही गड़ासे से उसकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी रीना यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपेयरगंज राहुल भाटी ने बताया। कौन महिला है? महिला आप ये दिनांक 21/3/2021 को अजय यादव पुत्र स्वर्गीय रामानंद यादव, जो कि थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर का निवासी है, 32 वर्ष उसकी उम्र है, वो अपने घर से निकला था और कहीं गुम हो गया था, तो उसकी गुमशुदगी उसकी पत्नी हीना यादव द्वारा दर्ज करवाई गई थी थाना गुलेरिया में दिनांक 23/3/2021 को। थाना चिलवाताल में गुमशुदगी अंकित कराई गई थी और दिनांक 28/3/2021 को थाना गुलेरिया में उसकी लाश बरामद हुई। चूँकि गुमशुदगी चिलवाताल में थी तो मुकदमा भी यहीं पर पंजीकृत किया गया, 302 में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया और फिर कप्तान साहब के आदेश से थाना चिलवाताल प्रभारी के निर्देशन में एक टीम गठित की गई इसके सफल अनावरण के लिए। तो उसी क्रम में 31/3/2021 को सुनील साहनी की गिरफ्तारी हुई और उसके पास से एक अदद मोटरसाइकिल और एक अदद गड़ासा बरामद हुआ और पूछताछ के दौरान उसने एक्सेप्ट किया कि उसका इसमें संलिप्तता थी और फर्दर पूछताछ से ये पता लगा कि एक जो अजय यादव जिसकी गुमशुदगी लिखी गई थी उसकी पत्नी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था और इसकी पत्नी रीना यादव और अभियुक्त सुनील साहनी की काफ़ी समय से बातचीत हो रही थी और दोनों की काफ़ी नज़दीकियाँ थी और कुछ संबंध भी थे, तो इन दोनों ने मिलकर इसकी अजय यादव की हत्या की प्लानिंग की और 21/3/2021 को सुनील साहनी इसको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया था और दारू पिलाकर नशे में वहीं कहीं जंगल में गड़ासे से उसकी हत्या कर दी और दिनांक 1 अप्रैल 2021 को, मतलब आज, रीना यादव उसकी पत्नी की गिरफ्तारी भी की गई। गिरफ्तारी में शामिल टीम हैं SHO जय नारायण शुक्ल और 2 सब इंस्पेक्टर्स हैं, चौकी प्रभारी बरगद व राजकुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर कुशल किशोर यादव
हेड कांस्टेबल कामेश्वर दुबे, कांस्टेबल नरेंद्र यादव, कांस्टेबल ब्रिज यादव, कांस्टेबल परविंदर यादव और महिला कांस्टेबल प्रगति सिंह। ये गिरफ्तारी हुई है हमारी भगौती चौराहा थाना गोरखनाथ, अभियुक्त सुनील सानी की गिरफ्तारी हुई थाना गोरखनाथ से और अभियुक्ता रीना यादव जो इसकी पत्नी है इसकी हुई है नखा नंबर एक बेटवा टोला थाला चिनवा ताल से। अजय यादव 13 अप्रैल से किराए पर रह रहा था।